लाइफ इट्स वेदांतु नीट मेड इजी चन, जहां पर सिर्फ एक क्लिक में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स की वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस और ना जाने बहुत कुछ सिर्फ एक क्लिक में आपकी स्क्रीन पे। सो गाइज, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर मोस्ट अनइंटरप्टेड एंड मोस्ट कन्वीनियंट अप्रोच टू योर स्टडीज। सब्सक्राइब द चैनल नाउ। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? तो आज हम करने वाले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज क्लास 11th हमने सक्सेसफुली कंप्लीट की है। एंड यू नो व्हाट, ये हमारा जो प्लेलिस्ट है, ट्रस्ट मी, इस प्लेलिस्ट पे अभी तक कम से कम नहीं तो 7 लाख व्यूज आ चुके हैं बच्चों। सो ये सीरीज तो ना तुम लोगों ने जो धमाकेदार हमारी बनाई है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों फॉर मेकिंग दिस सीरीज अ सुपर डुपर हिट सीरीज। तो आज हम क्लास 11th का बायो के सेक्शन का लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, फ्रॉम पेज नंबर 100 to 119। यस बच्चों, और इसके बाद हम मचाने वाले हैं क्योंकि एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज रीलोडेड। यस, क्लास 12th हम शुरू करेंगे विद अ रीलोड और क्लास 12th शुरू होगी इसी हफ्ते से। सो आर यू एक्साइटेड मेरे बच्चों? हाउ इज जोश? कैसा है जोश? तो चलो इसी जोश के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, बहुत जरूरी है, यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आप जितने भी अपने जूनियर्स को बता रहे हो कि यस, देयर इज अ फ्री एजुकेशन, फ्री क्रैश कोर्स गोइंग ऑन वेदांतु नीट मेड इजी चैनल, तो उन सबको बोलिए थोड़ा सा ठहर के कि जाओ जाके उस चैनल पे गरमा मैम की वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन क्लिक करो, ठीक है? बेल आइकन को प्रेस करो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करते हैं आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ और सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं ऑन टाइम, सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं कि किस दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है। राइट बच्चों? एब्सोल्युटली। नाउ यहाँ पे बच्चों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए कि देर इज अ टेलीग्राम ग्रुप जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन, आपको इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन के अंदर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, फिर इस लिंक को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वीडियो के नीचे उस पर क्लिक करना है टू डाउनलोड एंड टू ज्वाइन आवर ऑफिशियल ग्रुप, दैट इज वी नीट ऑफिशियल। उसके बाद जितनी भी आज मैं स्लाइड्स पढ़ाने वाली हूँ, ऑल आर प्रिपेयर्ड बाय सुमैया, थैंक्स सुमैया। एंड क्रैश कोर्स, यस बच्चों, दिस इज आवर अमेजिंग क्रैश कोर्स। कैन यू सी दिस? एब्सोल्युटली, कैन यू सी दिस? दिस इज योर जी स्क्वायर टीचिंग इन द क्रैश कोर्स, दिस इज योर जी स्क्वायर, अगेन दिस इज जी स्क्वायर टीचिंग यू इन द क्रैश कोर्स। तो एवरीवेयर दिस इज जी स्क्वायर टीचिंग यू एवरीवेयर। तो बच्चा, दिस इज हाउ जी स्क्वायर टेक्स योर सेशन। यू नो देर इज अ हाईलाइट सीरीज, देर इज अ कंप्लीट यू नो डिस्क्रिप्शन, एंड बैच हैज स्टार्टेड फ्रॉम 11th में। अभी मेरे पास दो बच्चों का मेल आया था कि मैम हमें क्रैश कोर्स लेना है, कैसे लेना है, आई जस्ट रिप्लाइड देम ऑन द मेल। तो बच्चों डू नॉट वरी, ज्वाइन आर क्रैश कोर्स, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कैसे ज्वाइन करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी सेशन के एंड में, ठीक है बच्चों? तो इस क्रैश कोर्स को लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा vdnt.in/neetcc। ये वो बैच है जो आपको लेके जाएगा सीधा क्रैश कोर्स में, जो वेदांतु की ऐप पे चलता है। तो आपको सबसे पहले वेदांतु की ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। दैट सरप्राइज इज वेदांतु क्विजिंग, वी क्विज, यस, जी स्क्वायर भी होने वाली है बच्चों, जी स्क्वायर भी होने वाली है। सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अमेजिंग अमेजिंग वेदांतु ऐप फीचर, दैट इज वी क्विजिंग। कैसे होगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस वी क्विजिंग। एंड फ्री मॉक टेस्ट, यस, 24th को आपका फ्री मॉक टेस्ट है बच्चों, इसकी तैयारी करो और दे डालो और धो डालो। और संडे को एक बहुत बड़ा धमाका आने वाला है फ्रॉम ए स्क्वायर, सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल, क्योंकि जिसे नीट करना है उसे अरविंद सर का ये सेशन देखना ही पड़ेगा। यस, इट इज कंपल्सरी, एब्सोल्युटली। एंड बायोलॉजी आज का अगर हम स्केड्यूल देखें तो सुबह सुबह बच्चों ने मचाया, 1500 बच्चे थे हमारे पास लाइव, जिन्होंने ये बच्चों ने पूरा का पूरा सेशन मचा दिया बॉस। उसके बाद अभी हम एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज कर रहे हैं पेज नंबर 100 to 119। देन यू हैव करंट इलेक्ट्रिसिटी मेंटी क्विज ऑफ फिजिक्स, देन यू हैव हाइड्रोजन धूम बाय ए स्क्वायर, धूम धूम मचा ले। चलो बच्चा, अभी पढ़ाई का टाइम शुरू हो चुका है, नाउ लेट्स बी फोकस्ड ऑन आवर पढ़ाई। एनसीईआरटी सबके पास है, तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो सेशन को और एक स्माइली बना दो, यस मैम हम सबके पास एनसीईआरटी है, जल्दी से मुझे बता दो। यस,
मैम नहा धो के आ गए रेडी। बिल्कुल मैं भी रेडी हूँ, तुम लोग भी रेडी हो ना? यस बिल्कुल, जल्दी से बताओ। मुकेश बॉटनी भी होगा, डोंट वरी, मैम इज कमिंग ऑन हर वे, शी इज ऑन हर वे फॉर बॉटनी, वरना नहीं है तो जी स्क्वायर तो है ही ना बच्चों तुम्हारे लिए, एब्सोल्युटली। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, एवरीबडी इज हैविंग देयर एनसीईआरटी बुक्स, खुशी खुशी, स्वप्निल, रानी, फाल्गुनी, तियासा, यस। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन, नाउ द पढ़ाई विल स्टार्ट, ठीक है, जिसके लिए हम बहुत फेमस है कि हम पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। चलो, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू केम अक्रॉस अ लार्ज ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये हमें पता है कि जो एनिमल किंगडम होता है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स है वो सबके सब मल्टी सेलुलर होते हैं। बट अगर हम दूसरे किंगडम्स की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें, तो वो क्या हो सकते हैं? वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यीस्ट भी यूनिसेलुलर हो सकता है, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म All functions are performed by same cell, like digestion, respiration, reproduction. Everything is performed by the same cell. But in complex animals like multicellular or in animals, there is a division of labor, जहाँ पे बहुत सारे organs होते which are specialized for one function. ठीक है? So the body of a simple organism like Hydra is made up of different type of cells, and number of cells in each type of is 1000. So now, such an organization is called tissue. बच्चा टिश्यू की डेफिनेशन एनसीईआरटी क्या लिखती है, सबसे पहले आपको वो हाईलाइट करना है, ठीक है। A group of similar cells, I repeat, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function is called as tissue. तो यहां से मैं नीट का एक क्वेश्चन बना सकती हूँ कि what is the definition of tissue? तो मैं क्या कर सकती हूँ? A group of different cell. दूसरा ऑप्शन मैंने बनाया a group of similar cell along with intracellular substances. ये छोटे छोटे कंफ्यूजन से ना मैं तुम्हें फंसा सकती हूँ चार क्वेश्चन बना के इसमें से। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ टिश्यू क्या है बच्चों? A group of cells. This is a group of cells along with intercellular substances. क्या होते हैं? Along with intercellular substances performing a similar or a specific function is called as tissue. पहला नीट का सवाल जो मैं इस लाइन से बना सकती हूँ और बच्चों को फंसा भी सकती हूँ. This is the first नीट bomber of the day. Now, you may be surprised to know that all complex animals consist of only four type of tissue. हमारी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज है? Four. Animals में कितने हैं? Four. तो यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे animals consist of only four basic type of tissues according to NCERT and it is true. हमारी बॉडी में से four type of tissues होते हैं. These tissue are organized in specific proportion. यानी जितने भी tissues है एक specific proportion में है. And pattern to form an organ like stomach, lung, heart, kidney. तो यानी कि हमारे जितने भी organs हैं, वो सब इन four tissues से बने हैं और इन four tissues का एक perfect proportion है बच्चों, ठीक है? Now, when two or more organs, I repeat, when two or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, they form a organ system. Now, this is the second important line. What is the definition of organ system? Organ system ki definition according to NCERT ke hai, jab ek se zyada organ, jab two or more organs performing a physical and a chemical interaction together to perform a similar function is called as organ system. Right, bacho? Tissue mein humne kya padha tha? Ki yahan pe सिमिलर सेल्स है विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस. ऑर्गन सिस्टम में हम क्या करें, एक से ज्यादा ऑर्गन है, दे ऑल आर इंटरैक्टिंग थ्रू फिजिकल वेज एंड केमिकल इंटरैक्शन टू परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम. सो ये दूसरी डेफिनेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी. नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे सिस्टम है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, सबके सब ऑर्गन सिस्टम है. नाउ सेल्स, tissues, organs and organ system split up the work in way that exhibit division of labor. यानि कि यहाँ पे जो key feature है जो हमें note करना है, that is your division of labor. तो यानि कि जब आप complexity की तरफ जाते हो animals में, तब आपको क्या देखने को मिलता है? Division of labor. क्या देखने को मिलता है बच्चों? Division of labor. ठीक है? Now animal tissues. एनिमल टिश्यूज आपके चार तरह के जो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में पता लगे. पहला है एपिथीलियल, विच इज अ कवरिंग, कनेक्टिव, जो कनेक्ट करेगा.
मस्कुलर जो मूवमेंट कराएगा, न्यूरल जो सोच दिलाएगा। क्या दिलाएगा बच्चों? सोच दिलाएगा। जल्दी से बताओ, वो एक रेडियो पे एक एडवर्टीजमेंट आती है कि सोच सबसे ज्यादा शौचालय में आती है। आपने सुना है क्या? हमारा जो दिल्ली वाला रेडियो स्टेशन है, आई डोंट नो विच रेडियो स्टेशन इज दैट, बट वो हमेशा बोलता है कि सोच सबसे ज्यादा शौचालय में ही आती है। ऐसा आपके साथ भी है क्या बच्चों? जल्दी से मुझे बताओ चैट में, ऐसा है क्या? जब हम जाते हैं तो आराम से रिलैक्स होके कुछ ना कुछ हमारा दिमाग चलता है, एंड आई थिंक दैट इज अ टाइम जब मैक्सिमम आइडियाज भी आते हैं, है ना? यस, आई कुड सी ऑल माई स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट ओनली, एब्सोल्युटली। तो सोच सबसे ज्यादा शौचालय में आती है, एंड दैट कम्स थ्रू नर्वस टिश्यू, एब्सोल्युटली। यस, तो चलो एपिथेलियल टिश्यू, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम, द टिश्यू हैज फ्री सर्फेस। फर्स्ट थिंग, जो ये टिश्यू है इसका फ्री सर्फेस होता है, विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड ऑफ एनवायरमेंट। यानी कि एपिथेलियम, अगर किसी ऑर्गन की कवरिंग है एपिथेलियम, तो एक तरफ से वो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी। अगर ये एपिथेलियम आपकी स्किन की कवरिंग है, तो ये किसे फेस करेगी? बाहर के एनवायरमेंट को फेस करेगी। सो एपिथेलियम इज बेसिकली द कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स आल्सो, एंड इट इज अ कवरिंग ऑफ योर एंटायर बॉडी आल्सो, ठीक है? सो दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग फॉर अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। The cells are compactly packed. Now, second important thing which you need to highlight, जितने भी epithelial tissue में cells होते हैं, वो सब compactly packed होते हैं, ठीक है? With little intercellular matrix, यानी कि जो cells हैं, उनके बीच में जो matrix होता है, उसका amount बेहद कम होता है, ठीक है? There are two type of epithelial tissues. कितने type के हैं? दो। एक है simple, एक है compound epithelium. सिंपल एपिथीलियम वो होता है विच फॉर्म्स अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कंपाउंड एपिथीलियम वो होता है विच फॉर्म्स अ मल्टीपल सेल लेयर, ठीक है? सो वी हैव वन सेल लेयर, ठीक है? दिस इज कॉल्ड अ सिंपल एपिथीलियम। व्हेन यू हैव मल्टीपल सेल लेयर, यू कॉल दिस एज कंपाउंड एपिथीलियम। सिंपल एपिथीलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एज आई टोल्ड यू, एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। यानी ये वाला जो एपिथीलियम होता है, बॉडी के अंदर होता है और ये लाइनिंग बनाता है किसकी? बॉडी कैविटीज की, डक्ट्स की और ट्यूब्स की। द कंपाउंड एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स एंड हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। यानी कि जो आपकी कंपाउंड एपिथीलियम है, उसका मेजर फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, जबकि जो आपकी सिंपल एपिथीलियम है, उसका मेजर फंक्शन है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, ट्यूब्स एंड डक्ट्स, ठीक है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथीलियम इज फर्दर डिवाइडेड। यानी कि सिंपल एपिथीलियम के और भी टाइप्स है, जैसे स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, ठीक है? और ये टाइप्स किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। यानी जैसा सेल वैसा एपिथीलियम का नाम, जैसा सेल वैसे एपिथीलियम का नाम, ठीक है? स्क्वामस एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। तो जो हमारे स्क्वामस सेल्स होते हैं, वो बेसिकली एक तरह के फ्लैटेंड सेल्स है जिनके पास इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, ठीक है बच्चा? इस एपिथीलियम को पेवमेंट एपिथीलियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइट दिस इन योर एनसीईआरटी बच्चा, ये चीज अपनी एनसीईआरटी में अभी लिख लो, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वो भी यहीं पे लिखवा रही हूं। जो आपका स्क्वामस एपिथीलियम होता है, उसे पेवमेंट एपिथीलियम भी बोलते हैं। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथीलियम? बिकॉज इट लुक्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। व्हाई इट इज कॉल्ड पेवमेंट एपिथीलियम? बिकॉज इट लुक्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। जैसे कि टाइल्स एक फ्लोर पे बिछी होती है, वैसे ही ये स्क्वामस एपिथीलियम भी दिखती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथीलियम, ठीक है? नाउ सेकंड थिंग, इट इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स की वॉल में मिलता है, एयर सैक ऑफ लंग्स, एल्वोलाई ऑफ लंग्स, एंड फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो यानी कि बॉडी में जहां जहां डिफ्यूजन होना है,
आई रिपीट, बॉडी में जहां जहां डिफ्यूजन होना है वहां पे जो एपिथीलियम प्रेजेंट होगा दैट वुड बी योर स्क्वैमस एपिथीलियम. कौन सा एपिथीलियम होगा बच्चों? वो स्क्वैमस एपिथीलियम होगा. ठीक है. नाउ द सेकेंड इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, द क्यूबॉइडल एपिथीलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथीलियम. क्या कहते हैं बच्चों इसको? राइट इन द चैट बॉक्स. इसका दूसरा नाम है जर्मिनल एपिथीलियम, यानी इसे जर्मिनल एपिथीलियम के नाम से भी जाना जाता है. किसको? क्यूबॉइडल एपिथीलियम को. क्यों बोल रहे जर्मिनल एपिथीलियम? क्योंकि इट लाइंस योर गोनाड्स, यानी ओवरी और टेस्टिस का जो अंदर का एपिथीलियम होगा दैट वुड बी योर क्यूबॉइडल एपिथीलियम. हेंस इट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथीलियम. राइट बच्चों, आ रहा है सबको समझ में? जल्दी से हिट करो सेशन को लाइक. चलो, इट इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स. कैसे सेल्स होते हैं? क्यूब लाइक सेल्स होते हैं. एंड ये कहां पे मिलता है? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज, एंड इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो सबसे पहला सवाल, क्यूबॉइडल एपिथीलियम का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. दूसरा, इसका लोकेशन क्या है? ये मिलता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल ऑफ योर नेफ्रॉन विच इज अ पार्ट ऑफ किडनी. ठीक है. द एपिथीलियम ऑफ पीसीटी, देखो ये आ ही गया यहां पे. जो पीसीटी होता है नेफ्रॉन का, उसके पास होते हैं माइक्रोविलाई. क्या होते हैं? माइक्रोविलाई, क्योंकि इसका काम क्या है? रीएब्जॉर्प्शन. आपको पता है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? पीसीटी में होता है. तो वहां पे उसके सरफेस पे क्या होंगे? माइक्रोविलाई. क्या होंगे उसके सरफेस पे? माइक्रोविलाई. ठीक है. जिस एपिथीलियम के पास माइक्रोविलाई होते हैं उस एपिथीलियम का नाम होता है ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम. क्या नाम देते हैं? जिस एपिथीलियम के पास माइक्रोविलाई होता है उस एपिथीलियम को हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम. ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, क्योंकि इसका काम है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. राइट बच्चों, अब आते हैं तीसरा, कॉलमनार एपिथीलियम. अगर हम कॉलमनार एपिथीलियम की बात करें तो ये भी सिंगल सेल लेयर से बनी है, बट यहां के सेल्स कैसे होते हैं? टॉल एंड स्लेंडर, यानी बिल्कुल पतला होगा और लंबा सेल होगा इन केस ऑफ कॉलमनार एपिथीलियम. और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो बेस की तरफ प्रेजेंट होता है. तो यानी अगर ये सेल है कॉलमनार सेल, तो इसका न्यूक्लियस बेस की तरफ होगा, ना कि सेंटर में होगा. ठीक है बच्चों. एंड इसके पास भी माइक्रोविलाई है, तो यानी ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथीलियम इसका नाम होगा. दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक. कहां मिलते हैं? स्टमक में, इंटेस्टाइन में, क्योंकि इट हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. यानी कि क्यूबॉइडल एपिथीलियम, कॉलमनार एपिथीलियम, दोनों का फंक्शन सेम है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. ठीक है. दोनों के पास माइक्रोविलाई है, वो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, ये ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथीलियम है. ठीक है. इफ द कॉलमनार एपिथीलियम बियर सीलिया, बट इनके पास सीलिया भी हो सकते हैं, तब इसे क्या बोलते हैं? सीलिएटेड एपिथीलियम. और सीलिया का फीचर क्या होता है? कि इट ऑलवेज बीट्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. ये एक ही डायरेक्शन में बीट करते हैं, यूनि डायरेक्शन. सो देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथीलियम. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं डिफरेंट मार्कर से यहां पे हाईलाइट करूंगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन. Cilia always beat in a specific direction as per NCRT, and it is a fact also. So they are mainly present in the inner surface of the hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. तो यानी ciliated epithelium आपको कहाँ मिलती है? अपने bronchioles में और fallopian tubes में, in case of female reproductive system. Done बच्चों, जल्दी से smiley बनाओ और बोलो कि yes ma'am, समझ में आ रहा है. बिल्कुल, yes. Some of the columnar and cuboidal cells get specialized for secretion. कुछ columnar और कुछ cuboidal cells specialized हो जाते to form what? Glandular epithelium. क्या बनाते? Glandular epithelium. अभी glands आपके unicellular हो सकते हैं. Unicellular का केवल एक example आपकी body में, that is your goblet cell of alimentary canal. तो यानी एक ऐसा cell जो single cell से बना है, जिसका काम है सिक्रीशन, जो आपके एलिमेंट्री केनाल में मिलता है, उसका नाम क्या है? गॉबलेट सेल. क्या नाम है? गॉबलेट सेल. एंड मल्टी सेलुलर में आपके आते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है? टू सिक्रीट सलाइवा. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग,
कैसे वो पोर करते हैं अपना सिक्रीशन। अगर डायरेक्ट ब्लड में कर रहे हैं तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगे, अगर डक्ट्स के थ्रू कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सो एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स क्या क्या है, म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल, सलाइवा सिक्रीटिंग सलाइवरी ग्लैंड, ईयर बैक सिक्रीटिंग यानी सेरुमिनस ग्लैंड, ऑयल सिक्रीटिंग सेबेशियस ग्लैंड, मिल्क सिक्रीटिंग मेमोरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। सो ये सबके सब किसके एग्जाम्पल है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के, राइट बच्चों। देन वी हैव दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन डू नॉट हैव डक्ट्स, एंडोक्राइन के पास तो डक्ट्स होती ही नहीं है बिकॉज द हॉर्मोन्स आर डायरेक्टली सिक्रीटेड इन टू द ब्लड। हॉर्मोन डायरेक्टली कहाँ सिक्रीट होते हैं, बॉडी फ्लूइड में, दैट इज योर ब्लड। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड एपिथीलियम। कंपाउंड एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, एक से ज्यादा होता है, और इसका मेन फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन। ठीक है, नाउ इनका बहुत लिमिटेड रोल होता है किसके अंदर, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो द मेजर फंक्शन इज प्रोटेक्शन, नॉट सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। यस एब्सोल्युटली, जो पार्लर जाते हैं ना, आई रिपीट, जो पार्लर जाते हैं, सलून जाते हैं, है ना, हाँ, वो फेशियल कराने जाते हैं, ब्लीच कराने जाते हैं, तो जो बच्चे जाते हैं तो ये जो आप फेशियल में ब्लीच लगवा रहे हैं अपनी स्किन पे, इट एक्ट एज अ केमिकल स्ट्रेस फॉर द स्किन, है ना मुकेश, बताओ जरा मुकेश मैम को, जाते हैं मुकेश हमारा क्लास मॉनिटर फेशियल कराने? रानी कह रही है मैम मैं तो नहीं जाती, जगमीत कह रहे हाँ मैम। बिल्कुल, मैं भी नहीं जाती बच्चों, मैम की स्किन नेचुरली ऐसी है, अभी तो लॉकडाउन है तब भी देखो मैम की स्किन पे कोई फर्क नहीं आया, अभी भी वैसी चमकती है, बाय गॉड टचवुड नजर ना लगे। तो ये जितने भी बच्चे फेशियल कराने जाते हैं, वो पार्लर में जाते हैं, उन सब के ना ये जो केमिकल्स लगवाते हैं, ये सब केमिकल स्ट्रेस है बच्चा। तो इस केमिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए यू हैव योर कंपाउंड एपिथीलियम, एब्सोल्युटली बच्चों, यस डन। Now the cover, they cover the dry surface of the skin, यानी कि ये आपके dry surface of the skin को cover करते हैं। It also cover your moist surfaces of buccal cavity, pharynx, inner lining of duct of salivary gland and pancreatic duct. So ये compound epithelium dry surface को भी cover करते हैं, like your skin, जब आप facial कराने जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये आपके pharynx को भी cover करता है, which is your moist surface, ठीक है, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे कि you know मुंह कट सकता है, तो वो उससे बचाने के लिए, एब्सोल्युटली। जानवी कह रही मैम मैं तो नहीं जाती, थैंक यू बच्चा। ओके, ऑल सेल्स इन एपिथीलियम आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरसेल्युलर मटेरियल। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक, यानी कि जो हमारे सेल जंक्शन होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द सेल्स। थ्री टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द एपिथीलियम। फर्स्ट इज कॉल्ड टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन लीकेज को प्रिवेंट करेगा, इट विल स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। तो यानी जो मेरा है वो मेरा है, वो किसी का नहीं है, एब्सोल्युटली। जितना धन राशि मेरे पास आ गई वो सारा धन मेरा है, मेरा धन मेरे घर से बाहर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने लगाया टाइट जंक्शन, एब्सोल्युटली। देन यू हैव एडहेरिंग जंक्शन, यानी कि भाई फेविकॉल का जोड़ क्या है, इसके ऊपर लिखा करो ये सब चीजें, ये सब ट्रिक होती है जो तुम्हें ना बाद में हेल्प करेंगी, तब तुम कहोगे हाँ जी स्क्वायर ने कुछ ऐसा पढ़ाया था। एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन का दूसरा नाम क्या है, फेविकॉल का जोड़। क्या नाम है, देखो ऐसे लिखती हूँ मैं, फेविकॉल का जोड़, ठीक है, यस। अब ये फेविकॉल का जोड़ क्या है भाई, दो सेल्स को आपस में चिपकाना है तो एडहेरिंग जंक्शन काम में आएगा। क्या काम में आएगा, एडहेरिंग जंक्शन, एब्सोल्युटली। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन पता है मैम क्या बोलती है, यस पड़ोसी, क्यों भाई अभी तो लॉकडाउन है तो अभी आजकल पड़ोसी क्या करते हैं, अरे आपके घर में चीनी है, चीनी आएंगे नहीं घर पे लेने के लिए, वहां बालकनी से ले लेंगे, विंडो से ले लेते हैं, अरे वो एक कटोरी चीनी देना। थैंक गॉड मेरे पड़ोसी सुन ना रहे हो, मुझे यूट्यूब पे देख ना रहे हो, वरना वो कहेंगे कि इसने तो पूरे जगत को बता दिया कि हमने इससे चीनी ली है। भाई मेरे पड़ोसी बस देख ना रहे हो, यस एब्सोल्युटली। तो बच्चा वो कुछ पड़ोसी होते हैं ना, हाँ एक कटोरी चीनी दे दो, ऐसे ही ना गैप जंक्शन होते हैं, ये गैप जंक्शन ना खिड़की है बिटवीन टू सेल्स, तो यहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इसने चीनी दी तो इसने चाय पत्ती दी, एब्सोल्युटली। बस मेरे पड़ोसी सुन ना रहे हो बच्चों, वरना आज तो बवाल हो जाएगा गली में।
और वो कहेंगे कि अरे यार इसने तो पूरे जगत को बता दिया कि हमने इससे कल चीनी ली थी एक कटोरी। एब्सोल्युटली। तो इन्हें क्या बोलते हैं? गैप जंक्शंस बोलते हैं, राइट बच्चों? एब्सोल्युटली। नाउ वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, नाम से पता लग रहा है ये कनेक्ट करेगा, दिलों को मिला के आया है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? सो कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट, पहली इंपॉर्टेंट लाइन। अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा टिश्यू है बॉडी में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, कनेक्टिव, न्यूरल, मस्कुलर और एपिथीलियम, आपका आंसर जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, भाई सबसे ज्यादा है तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा फैला भी होगा, सही बात है ना? बिल्कुल सही, ठीक है ना? नेक्स्ट, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू। क्यों इन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं? क्योंकि ये दूसरों को सपोर्ट करते हैं, लिंकेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं अदर टिश्यू को। नाउ दे अरेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टिश्यू। दे रेंज, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं तो ये सख्त भी हो सकते हैं, है ना बच्चों? कौन कौन सख्त है मेरी क्लास में जल्दी से बताओ, कौन कौन सख्त है मैम की क्लास में? भाई देखो, किसी का दिल नर्म हो सकता है तो कोई सख्त भी हो सकता है। अब वो तो डिपेंड करता है कि तुमने कितने धोखे खाए हैं। ज्यादा धोखे खाए हैं तो तुम सख्त हो जाओगे, अगर नहीं खाए तो आज भी अपना ये प्यारा सा सच्चा दिल किसी को भी देने के लिए तैयार बैठे होंगे, ठीक है? तो सॉफ्ट में आता है जैसे कार्टिलेज, सख्त में आता है जैसे बोन, वैसे ही सॉफ्ट में आता है एडिपोज, और ज्यादा जो नर्म होता है, शीतल होता है, वो होता है हमारा ब्लड। क्या होता है? ब्लड, बिल्कुल। Now, in all connective tissue except blood, the cell secrete fibers of structural protein called collagen or elastin. यानी कि जो हमारे connective tissue होता है उसका पहला component क्या है? Fibers. ये fibers दो तरह के होते हैं, एक होते हैं collagen, एक होते हैं elastin. Collagen सफेद होता है, elastin पीला होता है, ठीक है? जो collagen होता है उसे आप खींच नहीं सकते, it is inelastic in nature. जबकि elastic से नाम से पता लग रहा है कि वो elastic in nature होता है, right बच्चों? The fibers provide strength. ये जो fibers होते हैं ये strength provide करते हैं, elasticity और flexibility. जैसे जैसे बच्चा आपकी body में collagen की मात्रा कम होती है तब आपके चेहरे पे आते हैं wrinkles. क्या आते हैं मेरे बच्चों? Wrinkles, ठीक है? Yes, absolutely. तो जब collagen का amount उम्र के साथ कम होता है तब आपके चेहरे पे आती है झुर्रियां. क्या आती है आपके चेहरे पे? झुर्रियां. तब हमारे फिल्म स्टार्स लगवाते हैं बुटॉक्स का इंजेक्शन. जैसे बुटॉक्स का इंजेक्शन लगवाते हैं तब वापस से उनकी झुर्रियां चली जाती है. एब्सोल्युटली, ठीक है? नाउ दीज सेल्स आर सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसैक्राइड. ये जो सेल्स है ये ऑल्सो एक पॉलीसैक्राइड सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स. सो दिस पॉलीसैक्राइड जिसके अंदर फाइबर्स एम्बेडेड होते हैं उस उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. जो एक तरह का ग्राउंड सब्सटेंस है. क्या? एक तरह का ग्राउंड सब्सटेंस. अब कनेक्टिव टिश्यू बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे लूज यानी कि ढीला, डेंस यानी कड़क, एंड स्पेशलाइज, ठीक है? लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? सेल्स होंगे, फाइबर्स होंगे, बट सब लूजली अरेंज होंगे, यानी कि सब स्कैटर्ड होगा. क्या होगा बच्चों? सब स्कैटर्ड होगा, ठीक है? Arranged in a semi-fluid ground substance, for example, areolar tissue. तो जो ये areolar connective tissue होता है, which is a type of a loose connective tissue, ये आपकी skin के नीचे present होता है. कहाँ present होता है? Skin के नीचे present होता है. Often it serves as a support framework for epithelium. यानी कि अगर ये skin है, तो skin के just नीचे present होगा areolar connective tissue, जो आपकी skin को क्या provide करा के रखेगा? एक support. ठीक है? दिस एरियोला कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट. फिब्रोब्लास्ट के दो फंक्शन होते हैं, ये फाइबर भी बनाते हैं और मैट्रिक्स भी बनाता है. मैक्रोफेजेस आपको पता है जाके किसी को भी निकल के खा जाते हैं, डन. फिर उसके बाद आते हैं मास्ट सेल. मास्ट सेल रिलीज करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन. देन यू हैव एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. बेटा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये देखो ये भरा पड़ा है, ये सारा एडिपोज भरा पड़ा है. जहां जब फैट दिख रहा है ना, ये सारा का सारा एडिपोज है, ठीक है? अब कुछ नहीं कर सकते, अब है तो है, इसी में ही हम खुश है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल. देन टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन.
द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट. बेटा यही अपन का दुश्मन तियासा, यही है अपना दुश्मन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जो किसको जमा कर लेता है तुरंत से, फैट को. एब्सोल्युटली. तो हमारा दुश्मन कौन? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. बिल्कुल. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fat and are stored in this tissue. यानी कि आधी रोटी भी खाएंगे तो उसके अभी आधा हिस्सा स्टोर हो जाएगा अपन की बॉडी में. ये देखो स्टोर हो गया, ये देखो सारा स्टोर है. ठीक है, आधी रोटी खाने पे भी ये हाल होता है हम लोगों का. ठीक है. Now fibrous and fibroblast are compactly packed. अब देखो जब fibers और fibroblast cells बहुत compactly packed होते हैं तो उसको बोलते हैं dense connective tissue. What do you call this? Dense connective tissue. On the basis of orientation, अगर बिल्कुल parallel है, regular arrangement है तो उसे dense regular बोलेंगे. अगर irregular है दोनों का arrangement तो उसे irregular connective tissue बोलेंगे. The collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. Tendons which connect bone to muscle, they connect bones to muscle, and ligaments connect bone to bone. दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है. जबकि इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स अरेंज मोर लाइक यू नो डिसओरिएंटेड. एंड दिस यू फाइंड इन स्किन. कहाँ मिलता है बच्चों? ये स्किन में मिलता है. ठीक है. नाउ कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. क्या होते हैं ये? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है. इंटरसेलुलर मटीरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल. भाई कर लो टिक, ये तीन शब्दों को कर लो टिक. सबसे इंपॉर्टेंट तीन शब्द, यानी कार्टिलेज दमदार है परंतु नर्म भी है. यानी बाहर से कठोर दिखती है बट दिल तो इसका भी क्या है? बिल्कुल मासूम है मेरे बच्चों. यस. तो जो ये कार्टिलेज होता है ना, ये बाहर से सख्त दिखता है बट अगर इस पे प्रेशर डालोगे तो ये बेंड हो जाता है. प्लायबल मींस बेंडेबल. ठीक है. इट रेजिस्ट कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है. ठीक है. देन यू हैव सेल्स ऑफ द टिश्यू. ये जो सेल्स होते हैं इसके, वो कौन से होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स, जो एक कैविटी में एनक्लोज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लेक्यूना. दीज कैविटीज आर कॉल्ड एज लेक्यूना, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये कॉन्ड्रोसाइट्स. देन मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स. यानी बचपन में हमारे पास क्या होती है? कार्टिलेज होती है, धीरे धीरे वो बोन होती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी विद टाइम जाती जाती है. ठीक है. वो होता है ना बचपन में, आपने देखा होगा जब भी आपने किसी बच्चे को देखा, ये पकड़ के उछाल रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, फिर ऐसे भी घुमा देते हैं कई बार कुछ लोग तो, कुछ लोग तो यहाँ पे भी बिठा लेते हैं, कुछ लोग तो ऐसे फोल्ड ही कर देते हैं बच्चों को. देखा है आपने? हाँ, ऐसे होता है, होता है. मैं सच्ची बता रही हूँ, ऐसे होता है. क्यों होता है? क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये बड़े सॉफ्ट और इनमें कार्टिलेज बहुत ज्यादा होते हैं. दे आर हाईली फ्लेक्सिबल. ठीक है. कभी आपने देखा है किसी ने एक बहुत ही वरिष्ठ नागरिक को उठाया, उछाला, ऐसे घुमाया? देखा आपने कि किसी 60 साल की महिला को किसी ने ऐसे किया? नहीं. बट यू नो 6 महीने के बच्चे को सब ऐसे करते हैं. क्यों? क्योंकि 6 महीने के बच्चे के पास बहुत ज्यादा कार्टिलेज है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है. बट वो 60 साल की महिला बच्चा इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगी क्योंकि उसके पास बोन ज्यादा है. राइट बच्चों? एब्सोल्युटली. तो ये चीजें हैं. नाउ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज. जैसे कि आपका टिप ऑफ नोज, यहाँ कार्टिलेज होता है, यहाँ ये पूरा कार्टिलेज है. ठीक है. बोन्स के बीच में भी होता है, वर्टिब्रल कॉलम के, लिम्स के एंड हैंड्स इन एडल्ट्स. तो ये सारी एग्जांपल है जहां जहां आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं. बिल्कुल. यस बच्चों, उछाल मत देना कि जी स्क्वायर ने बोला था. अरे मुझे पता लगे कि कल न्यूज आ गई कि जी स्क्वायर ने ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया है और बच्चों ने जाके उछाल दिया. अरे मेरे बच्चों ऐसा मत करना. पता लगे कि आज तक भी न्यूज आ रही है. अरे ऐसा मत करना मेरे बच्चों, मैं पहले ही बोल रही हूँ, एग्जाम्पल था वो. बिल्कुल. चलो नेक्स्ट. बोन्स. बोन्स आर हार्ड एंड नॉन प्लायबल. यानी कि बच्चा अगर आपने हड्डी को मोड़ा तो वो मुड़ी नहीं, वो टूटी. ठीक है. बोन्स को मोड़ने का मतलब मोड़ना नहीं है, तोड़ना है. तो ऐसा मत करना, ये स्टंट्स अपने घर पे परफॉर्म मत करना अपने साथ. लॉकडाउन में तो बिल्कुल मत करना, कोई इलाज भी नहीं करेगा. ठीक है. एंड जो इनका ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं और कोलेजन फाइबर्स होते हैं. क्या क्या होता है? कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कोलेजन फाइबर होता है, विच गिव बोन्स इट्स स्ट्रेंथ. Now, it is a main tissue that provides structural frame to the body. Yani body ko jo actually mein shape deta hai, that is your skeletal system. Jo bone ke cells hote hai, unhe osteocytes kehte hai. Jo lacuna mein present hote hai. Lacuna are fluid filled spaces, matrix filled spaces. Limb bones, such as long bones of the leg,
you know, weight bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them for the movement. And they also have bone marrow for the production of blood cells. तो यानी bone के अंदर छुपा होता है bone marrow, जो क्या बनाता है? Yes, it produces RBCs, WBCs, platelets. Absolutely, yes. खतरों के खिलाड़ी मत बनना मेरे बच्चों. Yes, राव राव ने ना स्पेशली हाईलाइट किया है गरिमा गोयल चबी. क्या होगा इससे? मैं तो खुद बोल रही हूँ ये बात. चलो, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा. जो हमारा ब्लड होता है उसमें आपको पता है प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अपने सर्कुलेशन चैप्टर में. तो अब आते हैं मसल्स पे. नाउ ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज. ठीक है, दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ फाइन फिब्रिल्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स. मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. मसल फाइबर इज बेसिकली द मसल सेल जिसके पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, दैट इज योर सार्कोमिया. ठीक है, स्केलेटल मसल इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स. यानी स्केलेटल नाम से पता लग रहा है किससे अटैच होगी, बोन्स से अटैच होगी. ठीक है, नाउ ये कहां पे होती है? बाइसेप्स, इधर डोले. ठीक है, देन दे आर बंडल्स हेल्ड टूगेदर इन पैरेलल फैशन. अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स. स्मूथ मसल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूजीफॉर्म बिकॉज दे आर स्पिंडल शेप्ड. ठीक है, सेल जंक्शन होल्ड देम टूगेदर एंड दे आर बंडल टूगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट. द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है सच एज ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, एवरीथिंग कंटेन्स योर स्मूथ मसल्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल. ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है बच्चों. ठीक है, we usually are not able to contract it by just thinking, so they are involuntary. aisa nahi hai ki khana gaya pet mein aur aapne kaha chal pacha. aisa hota hai kya aapke sath? agar aapke sath aisa hota hai to please mujhe bata do. yes, anybody who can tell me with this thing, kya aapne kaha khana gaya pet ke andar aur aapne kaha chal pacha? yes, chal pacha. aisa to nahi hota na bachcho? bilkul nahi, kyunki ye involuntary hai. khana aapki बताए बस में है, बट खाने को पचाना आपके बस में नहीं है. और अगर ऐसे किसी के पास बहुत ही बड़ी विद्या है तो प्लीज कॉन्टैक्ट जी स्क्वायर. तो फिर क्या है ना, मैं तुम लोगों से ये विद्या प्राप्त करूंगी और फिर मैं भी पतले होने की कोशिश करूंगी और कहूंगी चल पचा. ठीक है, बिल्कुल यस. कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. ठीक है, जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, जो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है. सेल जंक्शन फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टूगेदर. कॉम्युनिकेशन जंक्शंस, मतलब कि इनके पास इंटरकैलेटेड डिस्क होती है. और इंटरकैलेटेड डिस्क बच्चों किस किस चीज की बनी होती है? डेस्मोसोम्स की. वहीं पे लिख लो अपनी एनसीईआरटी में किस किस चीज की बनी होती है. डेस्मोसोम प्लस गैप जंक्शन. तो डेस्मोसोम और गैप जंक्शन दोनों मिला के क्या बनाते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क. क्या बनाते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क. और ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, दिस इज प्रेजेंट एट द ब्रांचिंग ऑफ कार्डियक मसल. कहां प्रेजेंट होती है? एट द ब्रांचिंग ऑफ कार्डियक मसल. राइट मेरे बच्चों? यस. नाउ नेक्स्ट, न्यूरल टिश्यू. बेटा देखो, न्यूरल टिश्यू में ना एक लाइन बिल्कुल मास्टर लाइन है. सारे के सारे इंस्टीट्यूट वाले उसी लाइन के पीछे ना पड़े रहते हैं और हमेशा उसी लाइन से क्वेश्चन बना के देते हैं. यस, लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट लाइन. न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेट कंट्रोल ओवर द बॉडी. एक सेकेंड रुको बच्चों, यहाँ पे ना मैं हाईलाइटर और पेन के बीच में थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ. नाउ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन. न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज एक्साइटेबल. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लिखनी है, दैट इज न्यूरोग्लिया मेक्स अप मोर देन वन हाफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी. तो अगर इस लाइन को हम समझे तो जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये 50% से ज्यादा होते हैं. क्या होते हैं बच्चों? ये 50% से ज्यादा होते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, नाउ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. लेट्स कम टू दिस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. उससे पहले पानी पी ले, बताओ जरा. यस, ओके. ओ सत्यम तो बड़ा गुस्से में है यार. सत्यम आज बड़ा गुस्से में है, चैट में मुझे दिख रहा है. बच्चा सत्यम, दैट वाज जस्ट अ जोक बच्चों.
तुम लोग भी ऐसी छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा हो जाते हो, कम ऑन यार, इतना तो चलता है यार। जी स्क्वायर अब तुम्हारी मैम है, वी मीट एवरी डे, तो इतना तो जोक चलता है यार, है ना। ऐसे पराया तो मत करो यार जी स्क्वायर को अपनी, है ना, इतना तो मजाक चलता ही है। क्यों सत्यम, सत्यम तुम मेरा प्यारा बच्चा है, तभी तो तेरे से थोड़ा मजाक कर लिया, है ना। बाकी बता किसका नाम लेती हूँ मैं इतना। जो बच्चे प्यारे होते हैं, दिल के करीब होते हैं, तो सोचती हूँ कि वो मेरे अपने बच्चे हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत मजाक तो बनता है यार, है ना। बिल्कुल, तो इसलिए दिल पे नहीं लगाते कोई भी बात, जी स्क्वायर के साथ मस्ती करो, दैट्स इट, राइट बच्चो। बिल्कुल। Now, the basic tissues mentioned above organize to form organ, which in turn associate to form organ system in the multicellular organism. Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells. तो ये तो पूरा पैराग्राफ वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब हम आते हैं अपने कॉकरोच पे। किस पे आ रहे बच्चों? कॉकरोच पे आ रहे, राइट? यस बच्चो। अरे बच्चो यार तुम मेरे हो, ठीक है। नाराजगी तो घरों में होती है, जब अपनी फैमिली होती है ना तो उसमें नाराजगी होती है, तो अब हमें मनाना भी होता है, राइट। तो अपने बच्चे हैं तो इतना तो हक है, इतना जी स्क्वायर अपना हक मान के चलती है तुम बच्चों पे। चलो आ जाओ कॉकरोच। तो कॉकरोच ब्राउन ब्लैक होता है, यह हमको पता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है। ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर्ड कॉकरोच भी पाए जाते हैं। ग्रीन कलर कॉकरोच तो मुझे देखना है, सच्ची बता रही हूँ। आई रियली नीड टू सी ग्रीन कलर कॉकरोच, मैंने कभी नहीं देखा। Their size ranges from, you know, 1.5 inch to 3 inches, ठीक है, and they have antenna, legs, flat extension of the upper body wall. Now, morphology. Let's come to the morphology. सबसे पहली चीज कॉकरोच क्यों पढ़ते हैं? चलो, let me see who is going to tell me the answer. सबसे पहले कौन आंसर देगा? सत्यम ही आंसर देगा मुझे सबसे पहले। मेरा बच्चा सत्यम आंसर देगा सबसे पहले। Yes. बताओ जल्दी से, कॉकरोच के बारे में क्यों पढ़ते हैं? बताओ जल्दी से। मैम बेटा अर्थवर्म एंड फ्रॉग नहीं पढ़ना बच्चों, यस। अरे सत्यम कोई नहीं बच्चा, जल्दी बता आंसर, कॉकरोच क्यों पढ़ते हैं बता जरा। यस, क्योंकि ना ये बड़ा ही ना नॉटी होता है, ये ना हमारे घरों में आके बिल्कुल तबाही मचा के रखता है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि पहले इसी को पढ़े और इसी को ही पिटाई करके भगा दे, है ना। यस, बिल्कुल सही। और दूसरी चीज नीट के सिलेबस में है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो नीट के सिलेबस में, भाग तो सकते हम है नहीं, एब्सोल्युटली बच्चों। नाउ द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना आर अबाउट 34 to 53 millimeter लॉन्ग एंड एब्डोमेन। नाउ इफ यू सी, जो हमारे विंग्स होते हैं दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप इन केस ऑफ मेल्स, तो मेल्स के जो विंग्स होते हैं वो लंबे होते हैं, जो एब्डोमेन की टिप से भी बाहर निकलते हैं, राइट बच्चों। और जो इनकी बॉडी होती है वो डिवाइडेड होते हैं हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो पूरी बॉडी है वो हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, जिसके कारण ये किसी भी नाली में, किसी भी गटर में, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, ट्रस्ट मी। यस, दे आर ब्राउन इन कलर, इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड। तो अच्छा बच्चा देखो इधर, लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मान लो कि ये कॉकरोच है, ठीक है, ब्रांड तो नहीं दिख रहा ना, हाँ ठीक है, ब्रांड नहीं दिख रहा। ये देखो ये कॉकरोच है, ठीक है। अब ये कॉकरोच का दिस साइड इज डॉर्सल साइड, दिस साइड इज वेंट्रल साइड। जो काइटिनस प्लेट डॉर्सल साइड पे होगी उसे टर्गाइट बोलते हैं, जो प्लेट इसकी वेंट्रल साइड पे होगी उसे क्या बोलते हैं? स्टर्नाइट बोलते हैं। और जो वेंट्रल साइड्स पे होगी, ये वाली साइड्स पे, उसे क्या बोलते हैं? प्लूराइट। क्या बोलते हैं? प्लूराइट, एब्सोल्युटली। तो स्क्लेराइट कहां पे होती है? इसके वेंट्रली होती है स्टर्नाइट, डॉर्सली टर्गाइट होती है, और जो यहाँ पे लेटरली प्रेजेंट होती है, जो लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होती है उसकी साइड्स पे, उसे बोलते हैं प्लूराइट्स। ये सारी की सारी प्लेट्स अटैच होती है थ्रू आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। किससे अटैच होती है बच्चों? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। हेड इसका कैसे ट्राइंगुलर होता है, ठीक है, 90 डिग्री पे इसका एंगल सेट होता है, यानी कि अगर ये बॉडी है तो इसका हेड ऐसे होगा, तो 90 डिग्री बन रहे। सच अ टाइप ऑफ माउथ इज कॉल्ड एज हाइपोग्नाथस। क्या बोलते हैं इस तरह के माउथ को बच्चों? इस तरह के माउथ को हम बोलते हैं हाइपोग्नाथस। क्या बोलते हैं? हाइपोग्नाथस। जब आपका माउथ 90 डिग्री पे होता है आपकी बॉडी के एक्सिस पे, तो उसे बोलता है हाइपोग्नाथस माउथ, राइट बच्चों? यस, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट,
इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स. कितने सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है? सिक्स सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है. वन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज होती है. अ थ्रेड लाइक एंटेना, एंटेना भी होता है. एंटेना सर्व एज सेंसरी रिसेप्टर, यानी कि इसका काम क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर की तरह काम करता है. ये सूंघने का और वाइब्रेशन को सेंस करता है. क्या करता है बच्चों? यस, ये स्मेल और वाइब्रेशन को सेंस करता है, ठीक है. एंड जब ये सेंस करता है तो एनवायरमेंट को मॉनिटर करने में भी हेल्प करता है. Now, anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts. यानी इसके mouth parts कैसे होते हैं? पहले बाइट करो फिर चबा जाओ. पहले काटो चबाओ, काटो चबाओ, काटो चबाओ. और इसमें पहला जो इसका अपर लिप होता है वो होता है लेब्रम, लोअर लिप क्या होता है लेबियम, और जो इसके जॉज होते हैं वो होते हैं मैंडिबल्स एंड मैक्सिला. और एक टंग भी होती है जिसे हम कहते हैं हाइपोफेरिंग्स. अ टंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हाइपोफेरिंग्स. तो पहले काटो फिर चबाओ, राइट बच्चो? यस. नाउ नेक्स्ट, थॉरेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रोथॉरेक्स, मीजोथॉरेक्स एंड मेटाथॉरेक्स. थॉरेक्स में इसके पास कितने पार्ट्स है? तीन, प्रो, मीजो, मेटा. द हेड इज कनेक्टेड विद द थॉरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन कॉल्ड एज नेक. तो कौन कहता है, कौन बोला कि अर्थ की कॉकरोच के पास नेक नहीं होती? जल्दी से बताओ, कौन बोला, कौन बोला कि कॉकरोच के पास नेक नहीं होती? कौन बोला? बताओ बताओ बताओ, कौन बोला? होती है नेक, एनसीईआरटी ने लिखा है, हमने हाईलाइट किया है. कॉकरोच के पास नेक होती है जो उसके हेड और उसके प्रोथॉरिक्स को कनेक्ट करती है. तो कोई नहीं बोला, कौन बोला? बिल्कुल. Now each thoracic segment bears a pair of walking legs. इनके पास one pair of walking legs होती है. First pair of wings arise from the mesothorax and a second pair called as metathorax. Four wings, जो mesothoracic भी कहते हैं उन्हें हम tegmina या elytra कहते हैं, क्योंकि वो dark होते हैं और leathery होते हैं. जबकि जो hind wings होते हैं वो membranous होते हैं and they are used for flight. तो नीचे वाले जो wings होंगे वो उड़ने के काम आएंगे, जो ऊपर वाले विंग्स होंगे वो प्रोटेक्शन के काम आएंगे, राइट बच्चों? बिल्कुल सही. नेक्स्ट, द एब्डोमेन इन मेल एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट. यानी मेल फीमेल दोनों में ही 10 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन में, बट फीमेल के केस में 7 स्टर्नम यानी कि वेंट्रल साइड इज अ बोट शेप टुगेदर विद 8th एंड 9th. टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्ना इट फॉर्म्स अ बोट शेप एंड This boat shape is used for reproduction. किस लिए यूज होता है? Reproduction. बिल्कुल सही. इनके पास होते हैं spermatheca pores, collateral glands. Collateral glands किस में help करते हैं? ऊथी का formation में. किस में help करते हैं बच्चों? ऊथी का formation में. It contains dorsal anus, ventral male genital pore and gonapophysis. Gonapophysis are external genitalia. क्या होता है external genitalia? Right बच्चों? Next, elementary canal. In the body cavity is divided into three region. यानी जो इनका पूरा का पूरा digestive system है वो तीन parts में बटा हुआ है. Foregut, midgut, hindgut. जो mouth है वो किस में open होता है? Mouth. फिर उसके बाद वो जाता है pharynx. Pharynx के बाद esophagus. फिर उसके बाद ये जाता है क्रॉप. क्रॉप में खाना स्टोर होता है. खाना स्टोर होने के बाद खाना जाता है गिजर्ड. गिजर्ड में जो मसल्स होती है और 6 काइटिनस जो प्लेट्स होती है जिन्हें हम टीथ बोलते हैं, उसकी हेल्प से क्या करता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड. तो पहले माउथ, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से क्रॉप, क्रॉप में हुआ खाना स्टोर, स्टोर होने के बाद वो गया गिजर्ड. गिजर्ड के पास से 6 काइटिनस प्लेट जो उसे क्रश करेंगे, राइट बच्चों? Now the entire foregut is lined by cuticle. पूरे foregut और hindgut में cuticular lining होती है. Foregut और midgut के junction पे होते हैं 6 to 8 blind tubules जिन्हें हम कहते हैं hepatic और gastric cecum. क्या बोलते हैं इन्हें? Hepatic और gastric cecum. ठीक है? जो secrete करते हैं digestive juice. क्या secrete करते हैं? Digestive juice. Now at the junction of midgut and hindgut you have 100 to 150 yellow color tubules called as malpighian tubules. kya hote hain ye? Malpighian tubules. They help in removal of excretory products from hemolymph. to ye sara ka sara excretory product hemolymph se bahar fek dete hain. The hindgut is broader than midgut and differentiated into ileum, colon and rectum, and rectum opens into anus. right bachcho? yes bilkul. Now, बच्चा लाइक किया सेशन को? लाइक किया सेशन को? मेरे को तो नहीं पता लाइक किया सेशन को. एवरीबडी
How many likes do we have? Only 768. Chalo, come on. 1K likes, bachcho. 1K likes. Come on. Be quick. Yes. ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप. सबसे पहली चीज जो यहाँ पे ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है दैट इज ओपन टाइप. ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इन टू स्पेस इज कॉल्ड एज हीमोसील. विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथ इन ब्लड. नाउ द हीमोसील इज कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट. यानी जो हीमोलिम्फ होता है उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता. इट इज कलरलेस एंड इट इज सिंपली मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्लाज्मा. हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड ट्यूब लाइन अलॉन्ग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. यानी कि जो इसका 13 चेंबर हार्ट होता है वो एब्डोमेन और थॉरेक्स में दोनों में कंटिन्यू होता है और बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चेंबर्स विद एन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टिया. यानी जो हार्ट की ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टिया. ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम. यस, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिया. इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया एंड द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया आर 10 पेयर्स विच आर कॉल्ड एज पायरिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी. Thin branching tubes called as tracheal tubes subdivided into tracheoles carry oxygen from the air to all parts of the body. The opening of the spiracle is regulated by sphincter. Yani ki jo ye opening hai aapke spiracles ki use bhi regulate kaun karta hai? Sphincter. So exchange of gases take place through diffusion. Kaun si process se take place karta hai? Through diffusion. Right bachcho? Absolutely. Now next, excretion. Excretion is performed by malpighian tubule and they are uricotelic, means they are going to secrete or excrete out uric acid from the body. Iske alawa fat body bhi kaam karte hai excretion mein, nephrocyte bhi kaam karte hai, uricose gland bhi help karta hai in case of excretion. Very very important for NEET exam. Nervous system. Nervous system of cockroach consists of a series of few segmentally arranged ganglia joined by pair longitudinal connectives on the ventral side. So, सबसे पहली चीज जो nervous system है वो कौन सी side पे होता है? Body की ventral side पे होता है. ठीक है. And this is spread throughout the body. Now, in the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglia. सबसे important line, जो head region है, उसमें supraesophageal ganglia, जो क्या represent कर रहा है? Brain of the cockroach. उसके बाद जो नीचे वाला ganglia होता है, subesophageal ganglia, that will supply to these parts of cockroach. Eye consists of 2000 hexagonal shaped ओमेटीडिया. यानी जो आई होती है उसके पास 2000 हेक्सागोनल शेप्ड ओमेटीडिया होते हैं. विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटीडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द काइंड ऑफ विजन इज कॉल्ड मोज़ैक विजन विद मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रेजोल्यूशन. तो यानी जो आईज ऑफ कॉकरोच होती है इट इज मोर सेंसिटिव एंड लेस रेजोल्यूशन. बिल्कुल सही. ठीक है. Now, cockroach are dioecious, means they are unisexual. The testes are present from 4 to 6 abdominal segment. They have got an ejaculatory duct. They have seminal vesicle. They have vast difference. The ejaculatory duct opens into male gonopore, which is present on the ventral side to the anus. They have also a characteristic gland, which is called as mushroom gland, present from 6 to 7 abdominal segment. And they have got one more gland which is called as phallic gland or conglobate gland. Right, bachcho? Yes. Now, the ovaries. Ovaries are present from 2 to 6 abdominal segment. They have spermatheca and this spermatheca stores sperms. Kya store karta hai ye? Sperm store karta hai. Theek hai? And bachcho, utheca is formed with the help of the secretion of collateral glands. Kiski secretion se hota hai? Collateral gland se. Theek hai? They are dropped or glued to a suitable surface. And each utheca contains 14 to 16 eggs. This is a most important line. This sabse important line hai bachcho. Jo female hai, wo 9 se 10 utheca produce karti hai. And each utheca contains 14 to 16 eggs. Kitne hote hai? 14 to 16 एग्स होते हैं. राइट. मोल्टिंग कितनी बार होती है? द निम्फ ग्रोस बाय मोल्टिंग 13 टाइम्स. यानी 13 टाइम्स मोल्ट करता है वो टू बिकम अ एडल्ट कॉकरोच. ठीक है.
मेनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर वर्ल्ड वाइड विद नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इससे तो हाईलाइट कर दो. काम करनी है पुल लोग को. यस बिल्कुल भी काम करनी है हमारे लिए कॉकरोच. नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसलिए इसको कोई भाव नहीं देता, कोई भाव नहीं देता बच्चा इसे. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके खाने को डिस्ट्रॉय करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं, और जो इनका एक्सक्रीटा होता है वो बहुत हार्मफुल होता है बच्चों, बहुत ज्यादा हार्मफुल. सो दिस इज एंटायर समरी विच यू कैन डू. बच्चा जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि अर्थवर्म और फ्रॉग का क्या करना है, तो मैं आपसे कहूंगी कि अर्थवर्म और फ्रॉग कहीं से करो या ना करो, समरी से जरूर पढ़ लेना. जैसे फेरिटिमा पोस्टमा के बारे में ये सब चीजें कुछ दी हुई है समरी में, ये सारी चीजें तो पढ़ ही लेना. डू द एंटायर समरी फॉर कॉकरोच, फ्रॉग एंड अर्थवर्म. ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन हम करते हैं समाप्त. एब्सोल्युटली आज का सेशन हम करते हैं समाप्त. सब्सक्राइब करेंगे सब बच्चे चैनल को, अपने दोस्तों को बताएंगे और बताएंगे कि अब आने वाली है नई सीरीज एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज रीलोडेड. यस एब्सोल्युटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज फॉर क्लास 12 विद अ ट्विस्ट. एब्सोल्युटली बच्चों, तो आज बहुत खुशी हो रही है कि हमने पूरा 11th कंप्लीट किया है. बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने तब तक नई सीरीज स्टार्ट नहीं की जब तक हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, पूरा कमिटमेंट पूरा नहीं किया. यस एब्सोल्युटली आई एम सो हैप्पी बच्चों, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. यस बिल्कुल. एंड दिस इज आवर नीट क्रैश कोर्स बच्चा, जो आप ले सकते हैं बाय गोइंग टू द लिंक विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको ज्वाइन करना है बच्चों, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. चलो बच्चों बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह. कल सुबह इसका टेस्ट होगा, कल सुबह इसका टेस्ट होगा, राइट बच्चों? चलो बाय बाय, टेक केयर.